जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर आईटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में ये मेरे दोस्त ने पूछा है कि भाई आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। मेरे पास फाइबर इंटरनेट है, मैं चाहता हूँ कि अपने घर के अपने 4 कंप्यूटर को कनेक्शन दे दूँ और सबका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस अलग अलग हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वीडियो मैं इस वजह से मोबाइल पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पीसी का माइक है वो अभी ख़राब है, उसकी वजह से आवाज़ को बहुत ज़्यादा जितने भी व्यूवर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आवाज़ उसकी प्रॉपर नहीं आ रही। तो इस वजह से माजत उतनी देर मोबाइल पे वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम इस भाई को मशवरा देते हैं जी, क्योंकि फाइबर का इंटरनेट है, हर कंप्यूटर को माइक्रो मतलब कि उसका आईपी लहदा लहदा जाए। ठीक है, तो अगर तो आप वो राउटर के साथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी राउटर सर्च कर लेता हूँ, टेंडा राउटर। अगर तो वो टेंडा राउटर है या कोई भी है या फाइबर का कोई भी राउटर है, उसकी लैन पोर्ट में लगाते हो। ठीक है, इसकी लैन पोर्ट में लगाते हो। ठीक है, यहाँ मैं सही मुझे इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कोई भी राउटर फाइबर का या फाइबर का राउटर ले लेते हैं। वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप लोगों ने किसी ने भी कोई मशवरा लेना है तो इस तरह रब्ता कर सकता है। ठीक है, ये फाइबर राउटर है। ठीक है, इसकी जो लैन में आप तार लगाओगे तो इसका जो आईपी होता है वही आगे आईपी हाँ सब राउटर्स को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो डिवाइस का 100.192.168.100.1 पे ये खुलता है, मैं ये वाला फाइबर वाला। ठीक है, तो हर कंप्यूटर का जो आईपी होगा ना वो होगा 100.1, 100.2 होगा दूसरे कंप्यूटर का, 100.3 होगा तीसरे कंप्यूटर का, 100.4 होगा चौथे कंप्यूटर का। ठीक है, तो अगर लैन केबल से अटैच करें तो आपका जो मेन आईपी होगा ना पब्लिक आईपी होगा। ठीक है, वो जो होगा वो जारी बात है कि वो जो जो इसमें आईपी हिट हुआ हुआ यूज़र वो वाला होगा, और जो फिज़िकली आईपी होगा वो आपका डिवाइस की लैन वाला होगा। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि हर पीसी का आईपी एड्रेस चेंज आए तो उसके लिए आपको मैक्रोटिक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, या तो यूज़र अलहदा अलहदा डायल करवा लें कोई उधर हब लगा के। अगर आप अलहदा अलहदा यूज़र नहीं डायल करवा सकते तो आप इमेजेस में सेलेक्ट करें तो ये मैक्रोटिक आएगा। ठीक है, मैक्रोटिक के अंदर आप उसको जो है सेटिंग करवा लें। ठीक है, मेन यूज़र इसमें डायल करें, और या आप ऐसा करें कि जो राउटर लगा हुआ फाइबर की उसकी लैन इंटरनेट में लगाएं और यहाँ से 4 कंप्यूटर की लैन लगा के लैन के थ्रू कनेक्ट कर लें और वहाँ पे पीपीओ की सेटिंग इसमें कर लें। हर यूज़र को आईपी जो है फिज़िकली भी डिफरेंट मिलेगा और जो दूसरा होगा मेन पब्लिक आईपी वो सेव रहेगा। ठीक है, मैक एड्रेस हर डिवाइस का ही डिफरेंट होता है। ठीक है, हर डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट ही मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन काम करें, कोई गेमिंग का काम करें तो हर आईपी भी चेंज होगा और मैक एड्रेस भी चेंज होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैक्रोटिक यूज़ करना पड़ेगा और इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। ठीक है, अगर आप राउटर के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपका आईपी वो DHCP जाएगा। ठीक है, जो फिज़िकली होगा और जो पब्लिक होगा तो वो एक ही आईपी यूज़ होगा। तो यहाँ पे आईपी आपके हाँ मतलब को पब्लिक आईपी भी चेंज हो जाएगा, फिज़िकल आईपी भी चेंज हो जाएगा। तो आपको मैक्रोटिक लगाना पड़ेगा। मैक्रोटिक लगा के आप मल्टीपल आगे यूज़र चला सकते हैं, आपकी स्पीड आगे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीपीओ डायल करवा सकते हैं। तो भाई ये थी इस भाई का यही मशवरा है कि मैं इसको मैसेज भी कर देता हूँ। मैक्रोटिक यूज़, ठीक है, मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ और ताकि इस भाई को आगे मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।